क्वालिटीज हो, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स धातु और अधातु जो होती हैं, धातुएं और अधातुएं, इनकी क्या रासायनिक प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मेन बेटा हमारी चार प्रॉपर्टीज हैं, एक पांचवी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद मेटल्स, सेकंड होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दूसरी होती है रिएक्शन विद वाटर, मतलब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल की नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होगा, क्या बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड रिएक्शन होती है रिएक्शन विद वाटर, थर्ड होती है रिएक्शन विद एसिड, फोर्थ होती है रिएक्शन विद बेस एंड फिफ्थ होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगी, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगी। ये देखो कोई भी जर्नल हमने मेटल ली, ये किसी मेटल का नाम नहीं है, ये जर्नल मेटल है। हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया मतलब जलाया, तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड बना। और मेटल ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक नेचर का मिलेगा। कैसे पता लगेगा कि बेसिक नेचर है? आप कोई भी मेटल लो, जैसे आपने मेटल ली बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन देखा भी होगा, आयरन जैसा ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा बारीक पतला रिबन लेंगे इसका, उसको क्या करेंगे अपन? जलाएंगे। जलाएंगे मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे उसको। जैसे ऑक्सीजन दी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बना। अब इस मेटल ऑक्साइड को अपन ने क्या किया? वाटर में डिप कर दिया। रिएक्शन तो हमारी यहाँ तक हो चुकी है, ये फर्दर है आगे। हमने इसको वाटर में डिप किया, मेटल ऑक्साइड को किसमें डिप किया? वाटर में। तो ये सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया तो इसमें क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, MgOH2। अब इसका हमें नेचर फाइंड आउट करना था, इसीलिए हमने इसको जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी जो कि राख थी, ऐश बोलते हैं, ऐश प्रोडक्ट, इसको हमने वाटर में डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना बेटा, ये बेसिक नेचर का मिलेगा। कैसे पता लगेगा कि ये बेसिक नेचर है? हम इसके लिए रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। हमने रेड लिटमस पेपर को डिप किया इसके अंदर, तो क्या हुआ? वो ब्लू में टर्न हो गया। और ब्लू लिटमस लिया तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब रेड लिटमस का ब्लू में चेंज होना, सेवंथ क्लास में टॉपिक था रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू शोज बेसिक बिहेवियर एंड ब्लू लिटमस डज नॉट चेंज, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो हमेशा कैसे नेचर के मिलेंगे? बेसिक नेचर के मिलेंगे। अब एक बात है यहाँ पे कि जो अपनी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो जो थी उसके अंदर भी आपको बताया था, जो मेटल नॉन मेटल की करवाई थी, कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं, क्योंकि मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे इसी के अंदर हम बताते हैं, मैग्नीशियम मेटल मैं लेके चली तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 12 होता है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लेते हैं तो सेल बनाते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8, एम में 8 और एन में 18, मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रो जो अपना सेल होता है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसीलिए हमने इसमें क्या लिया? 2, 8, 8, 18। अदरवाइज तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? 2n2। 2 पहले सेल के अंदर बात करेंगे तो 2 1 से करेंगे कितना आया? 2 पहले से, फर्स्ट सेल की बात। सेकंड सेल की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई एन स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, इस तरीके से सीरीज चलेगी। ठीक है, अब हमने बात की यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर क्या बात करेंगे कि जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर तो 2 कंप्लीट हो गए, लेकिन सेकंड सेल जो है उसमें कितने आए? अब 2, 12 में से 2 गए तो कितने बचे? 12 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 बच गए। अब 10 में से 8, एल सेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8, आपने 8 ले लिए भाई, 8 घटा दिए, कितने बच गए अब? 2। तो इसमें लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2, मतलब के सेल पूरा, एल सेल पूरा, लेकिन एम में कितने बचे? 2। तो 2 जो है ये कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए भाई? इसको तो 8 पूरे करने के लिए 6 और चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 6 और चाहिए, तो 6 इसको कोई नहीं देगा, तो ये क्या कर देगा? उन 6 को लूज कर देगा। क्या कर देगा उनको? लूज करेगा, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। मेटल्स जो है, सभी मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो होती हैं बेटा वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, लेती हैं। यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन की बात की, जो नॉन मेटल थी
नॉन मेटल है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या किया हमने इसको क्या करवाया है कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, तो फर्स्ट सेल के अंदर वही इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे, तो फर्स्ट सेल में आ गए 2, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितने बचे 6, तो ये सेकंड सेल में कितने आए 6, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सेल कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 2 और चाहिए, तो 2 इजीली ये किसी से भी ले सकता है, तो इसमें 2 नेगेटिव लगा दिया अपन ने, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का। मैग्नीशियम में 2 प्लस होते हैं, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव होते हैं, 2 से 2 कट कर दो कितना बना 1 1 बना, तो मैग्नीशियम को इधर मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन को इधर, तो MgO हमारा फॉर्मूला बन गया, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, इसीलिए हमने यहाँ कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड। ये तो मैंने जस्ट एक जो आपकी मैग्नीशियम मेटल है उसके बारे में रिएक्शन की है, अपनी बुक में जो और मेटल्स हैं जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन है, पोटेशियम के साथ रिएक्शन है, तो वो आप खुद करके देखोगे, अगर उसकी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके बारे में डिस्कस कर लेना बाद में। सेकंड है बेटा इन्हीं की, ये तो थी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस नेचर के मिलेंगे, वही सेम टेस्ट लिटमस टेस्ट करेंगे, तो इसके अंदर रेड लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लू लिटमस जो है वो किस में टर्न हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो कैसे नेचर के हो गए, एसिडिक। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सल्फर को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सल्फर डाई ऑक्साइड। मतलब सल्फर यहाँ पे क्या है, एक नॉन मेटल है, और मैंने किसके साथ रिएक्ट करा है उसको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो मेरा सल्फर डाई ऑक्साइड बना। इस सल्फर डाई ऑक्साइड का मैंने सॉल्यूशन बनाया क्योंकि मैं इसको लिटमस टेस्ट करूंगी कि भाई एसिडिक नेचर है या बेसिक, तो मैंने क्या करवाया इसको वाटर में डिप किया, जैसे मैंने इसको वाटर में डिप किया तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मैंने रेड और ब्लू लिटमस टेस्ट किया तो रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, इसका मतलब इसका नेचर कैसा हुआ, एसिडिक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिडिक जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के, और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की हम बात करेंगे, रिएक्शन विद एसिड मेटल, सॉरी रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन विद वाटर, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटालिक हाइड्रोक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड्स बनाती है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करती है, हाइड्रोजन गैस रिमूव करती हैं। मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, जो हाइड्रोजन गैस रिमूव करती हैं, और जो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें एक एग्जांपल लेके चला हमने, तो एग्जांपल क्या हुआ, जैसे सोडियम को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, सोडियम मेटल है, मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुई, बाहर निकली, ठीक है ना भाई। सोडियम मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जो नॉन मेटल्स है वो अनरिएक्टिव है, किसके साथ में, वाटर के साथ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बन, कार्बन को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो नो रिएक्शन, इसका मतलब कार्बन जो है एक नॉन मेटल है और वो कोई रिएक्शन शो नहीं कर रही है। एक और देखो, ये तो सोडियम का दिया था मैंने, मैग्नीशियम मेटल का और करते हैं, यहाँ पे तो देखो मैग्नीशियम की मैंने क्या करवाई थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन थी, ऑक्सीजन था ना, लेकिन अब हम मैग्नीशियम मेटल की यहाँ किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर के साथ, बन तो इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड रहा है और उसमें भी, लेकिन यहाँ साथ में क्या बाहर निकल रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन है वो थी रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड बेटा अपन जो है ना इसमें डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो हमारी बॉडी पे मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड एसिड ना लेके कौन से एसिड लेंगे, डाइल्यूट एसिड लेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड क्या होते हैं और डाइल्यूट क्या होते हैं उनके बारे में देखो, कंसंट्रेटेड के अंदर सोल्यूट की मात्रा मैक्सिमम और सोलवेंट की मात्रा मिनिमम होती है, कंसंट्रेटेड जो एसिड होते हैं उनमें सोल्यूट क्या होता है मैक्सिमम और सोलवेंट क्या होता है मिनिमम, और डाइल्यूट जो होते हैं उनमें उनमें क्या होता है जो सोल्यूट है सोल्यूट की मात्रा क्या होती है मिनिमम और सोलवेंट की मात्रा क्या होती है मैक्सिमम होती है, सोलवेंट की मात्रा क्या होती है मैक्सिमम। तो मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे मेटालिक सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। ये देखो अपन ने मेटल ली जिंक मेटल, मैंने जिंक मेटल को
और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक क्लोराइड बाहर निकला और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई। अब यहाँ पे देखो, अब ये तो रिएक्शन तुम्हें जस्ट इतनी याद करनी है, लेकिन ये रिएक्शन बनी कैसे, इसके लिए देखो। अब जिंक, जिंक में जैसे वही बात करेंगे भैया, सी एल टू ही क्यों लगा, तो जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे देखो क्लोरीन की बात करेंगे पहले, क्लोरीन का होता है 17, तो 287 लास्ट पेयर में 7 रहे, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो क्लोरीन के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव आयन। ऐसे ही जिंक जो है उसकी उसमें कितने होंगे, वो 2 प्लस आयन रिलीज करेगा, ये आप बना बना के देखोगे रफ में, ठीक है। तो ये इसके लिए पहले आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होंगे, कम से कम जो 20 तक के पीरियोडिक एलिमेंट्स है उनको आप याद कर लोगे तो आपकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी बहुत इजी हो जाएगी। तो देखो जिंक जो है वो 2 प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्लोरीन 1 लेता है, तो ये देखो क्लोरीन के साथ हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो ये तो जाएगा जिंक 1 और क्लोरीन के आगे 2, तो जिंक क्लोराइड ये बन गया। बट नॉन मेटल की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, तो इसका मतलब जैसे हमने ली सल्फर मेटल, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया, कोई भी एसिड ले सकते हैं बेटा, और लेने हमने क्या है, डाइल्यूट ही लेने हैं, क्या लेने हैं, डाइल्यूट ही लेने हैं, ठीक है। तो सल्फर की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी, नो रिएक्शन। कार्बन कोयला जो होता है उसकी डाइल्यूट एसिड के साथ करी, नो रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। फोर्थ रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद बेस, मेटल्स को बेस के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो मेटल सोल्ट, मेटलिक सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा, और इसी तरीके से नॉन मेटल को बेस के साथ करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटलिक सोल्ट रिमूव करता है, जैसे मैंने लिया जिंक मेटल और मैं किसके साथ करवा रही हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमारा क्या बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट, ये हमारा क्या है, यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, तो ये देखो सॉरी मेटालिक ऑक्साइड्स है, सोडियम जिंकेट कैसे बना, आपने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करा, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन का 1 पार्ट है, लेकिन हमारा यहाँ कितने पार्ट है, 2, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2, इसके 2 लगाने से हाइड्रोजन की ये जो नंबरिंग है ये तो पूरी होगी, लेकिन और जो चीज रह रहे हैं वो तो चेंज हो गए, तो यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, सोडियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और जिंक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो गया 1, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट। ये तो था मेटल्स का, मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके मेटालिक सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव करती हैं, जबकि नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाती है, जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे हायर क्लासेस के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे 11th 12th में, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करती हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाती हैं। अगली हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, इसका मतलब एक हाई रिएक्टिव मेटल और एक लो रिएक्टिव मेटल को लो रिएक्टिव मेटल के ही सोल्ट सॉल्यूशन से अगर डिस्प्लेस कर दे तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर देखो, ए हाई रिएक्टिव मेटल, ए रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, किसके सॉल्ट सॉल्यूशन, लो रिएक्टिव मेटल का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। जैसे मैंने लिया जिंक, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर, क्योंकि यहाँ जिंक जो है ये हाई रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, और मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, उसी का सोल्ट सॉल्यूशन लेना बेटा, लेस रिएक्टिव का ही, तो क्या हो जाएगा, ये जिंक इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा और यहाँ पे खुद इसकी जगह ले लेगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगी। अगर मैं कॉपर को और जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराऊं तो बेटा कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगी, तो इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई अब आपको क्या पता लगेगा कि जिंक हाई रिएक्टिव है या कॉपर हाई रिएक्टिव है, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करनी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज हमें लर्न करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, कहां से, हाई टू हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल तो कहां रखी जाती है, टॉप पर, और लो रिएक्टिव मेटल कहां रखी जाती है, बॉटम में। तो यहां पे क्या होता है, सबसे हाई रिएक्टिव मेटल होती है बेटा लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, कार्बन, इस तरीके से सॉरी कैल्शियम, इस तरीके से मैग्नीशियम, जिंक, ये नीचे जाएंगे, और सबसे नीचे होगी गोल्ड, उससे उसके नीचे प्लैटिनम, और इसके बाद सिल्वर, इस तरीके की मेटल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और एक बीच में बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है फिर भी हम इसको किस में पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो क्या करती है, वो मेटल्स की तरह H प्लस आयंस बनाती है, इसीलिए हमने उसको इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखा है। तो देखो यहाँ पे जिंक था,
कॉपर सल्फेट के साथ करवाया, तो इसका मतलब जिंक ऊपर आया है नीचे आया, जिंक ऊपर आता है, जिंक ऊपर है और आयरन उसके नीचे है, तो इसका मतलब आयरन क्या लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, तो वो जिंक को जिंक सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट में से जिंक जो है कॉपर को रिलीज कर देगा, हटा देगा यहाँ से और खुद उसकी प्लेस ले लेगा। तो आज का अपना टॉपिक जो है इतना ही था, इसके यूजेज है वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर बता देंगे, या नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें। अब अगर किसी बच्चे को इनमें जो मैंने अभी करवाई है इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो आप पर्टिकुलर पूछेगा, लेकिन सिर्फ अपने आप को अनम्यूट वही करेगा जिसको प्रॉब्लम आई है, सब बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे।